जब मैं अपने बच्चों में सेहतमंद नशोनुमा की ये निशानियाँ देखती हूँ तो मुझे अपने फैसलों पर एतमाद हो जाता है। इसीलिए मेरा भरोसा है नीरो फोर्टिफाइड, एक खास ऑल इन वन फॉर्मूला जिसमें है वो तमाम जरूरी इंग्रेडिएंट्स जो मेरे बढ़ते हुए बच्चों को देते हैं बेहतरीन नशोनुमा की 10 निशानियाँ। मैं अपने बच्चों के लिए चाहूँ सिर्फ बेस्ट। नीरो फोर्टिफाइड, मेरे प्यार का मुकम्मल इजहार। खुश्की की परेशानी कैसे दूर हो? इजी हेड एंड शोल्डर्स एंटी डैंड्रफ एंटी वरी शैम्पू के साथ आजमाएं प्रोफेशनल्स का साबित शुदा मशवरा। मिडल ईस्ट में कॉन्फ्रेंस सर्वे से साबित हुआ कि 77% डर्मेटोलॉजिस्ट खुश्की के खात्मे के लिए हेड एंड शोल्डर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप किस पर भरोसा करेंगे? हेड एंड शोल्डर्स से 100% तक खुश्की दूर, 100% परेशानी दूर। ख्याल कीजिए, बिजली की चोरी भी चोरी ही है। सिर्फ बदनामी नहीं, बिजली की चोरी की सजा गिरफ्तारी और जुर्माना भी है। चोरी और बिल की अदम अदायगी की वजह से होने वाली लोड शेडिंग उन लोगों के लिए भी परेशानी का बाइस बनती है जो अपना बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। वो करें, हम भरें। बिजली की चोरी के खात्मे में कराची के लोगों का साथ दें और अपने शहर को फिर से बनाएं रोशन। चिल विद लेमन मॉल। Quality product by Murray Brewery. नए एरियल प्रो सिम की शानदार सफाई अब कम कीमतों में। 60 ग्राम पैक सिर्फ 10 रुपए में और 1 किलोग्राम पैक सिर्फ 199 रुपए में। तो फिर चलो अपने हर इरादे हर अज़्म को मुमकिन कर दिखाओ। प्रणाम, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। यकम जुलाई 2009 को पंजाब का 36वां ज़िला करार पाया था चिन्योट, जहां पर तालीमी मयार बहुत ज़्यादा मखदूश है और दीगर बहुत ज़्यादा मसाइल है मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह। लेकिन इसी चिन्योट में कायम है वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ के बेटे एक शुगर मिल चलाते हैं सलमान शहबाज साहब, जो कि है रमज़ान शुगर मिल। बहुत बड़ा इसका प्लांट है और अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहिबान के पास बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ का जो गरीब काश्तकार हैं उनका ये शिकवा है, उनका ये कहना है, और आपको कुछ मनाज़िर भी नज़र आएंगे कि यानी अगरचे हमने इन काश्तकारों के साथ भी मुलाकात का बंदोबस्त किया, वो भी बात करेंगे कि इनसे ज़बरदस्ती गन्ना ख़रीदा जाता है और चूँकि यहाँ से इन्हें गन्ने के बदले अदम अदायगी का मसला था या पेमेंट्स बहुत लेट होती थी और जो इनका वेइंग स्केल है सही तरीके से तोला भी नहीं जाता था, पैसे भी कम दिए जाते थे। इसलिए जब मकामी काश्तकारों ने फैसला किया कि वो इस शुगर मिल को अपना गन्ना नहीं बेचेंगे तो उन्हें ज़बरदस्ती इस काम पर मजबूर किया गया कि नहीं, वो इसी मिल को अपना गन्ना बेचें। बाकायदा पुलिस की सरबराही में, बाकायदा इंतजामिया की सरबराही में ये काम हुआ। आपको ये भी नज़र आएगा कि जब गन्ना वगैरह लेकर जाया जा रहा है तो पीछे बाकायदा पुलिस की गाड़ी जा रही है ज़बरदस्ती वो गन्ना उसी शुगर मिल की जानब लेकर। ये मकामी काश्तकार ही कहते हैं कि खुदारा में इंसाफ दिलाया जाए और हम अगर इस शुगर मिल को गन्ना बेचना नहीं चाहते तो क्यों वज़ीर आला का नाम इस्तेमाल करके, मेरे लिए तो मानना मुश्किल है कि वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में काम हो रहा होगा, लेकिन क्यों उनका नाम इस्तेमाल करके ये मकामी लोग ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जो मकामी DCO है उसकी निगरानी में काम हो रहा है जिससे बाकायदा मुअत्तल करने के अहकाम जारी हो चुके हैं लेकिन वो ताहाल मुअत्तल नहीं हुआ है। पंजाब असम्बली ने तहरीक इस्तेकाक में फैसला दिया है मकामी DCO को मुअत्तल करने का लेकिन ताहाल मुअत्तल नहीं हुआ। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शायद से पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। वक्त बहुत कम है इसलिए मैं सीधा चलता हूँ चिन्योट, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं अमीर उमर। उनके साथ जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये यहाँ के कुछ मकामी काश्तकार हैं। अमीर उमर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप जरा कुछ काश्तकारों से बात कीजिए और बताइए कि इनके क्या मसाइल हैं। रमज़ान शुगर मिल जो कि वज़ीर आला पंजाब की है, वहाँ से उन्हें किस किस्म के प्रेशर का सामना है? वसीम, यहाँ पे मेरे साथ काश्तकार भी मौजूद हैं और मकामी DCO की तरफ से जो गैर कानूनी और नजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते कुछ लोगों के मकानात भी मिसमार किए गए हैं और उनको मुकम्मल तौर पे अपना शहबाज शरीफ और राना सनाउल्ला वगैरह की जो है वो हिमायत हासिल है क्योंकि तरीके इस्तेकाक के फैसले के बाद भी उनको ताहाल मुअत्तल नहीं किया गया। मेरे साथ इस वक्त काश्तकार एक मौजूद है, इन दोनों से मैं आपकी बात करवाता हूँ। मेरे साथ हैं जी रियाज चुखिया साहब, इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो आपसे बात करते हैं। जी रियाज साहब, ये क्या मसाइल हैं? ये मसाइल एक आता तो मसाइल नहीं, यहाँ मसाइल में हम फंसे हुए हैं। हमारी ये बदबख्ती है कि पहले तो हम जमींदारों को तबाह करने के लिए जरदारी साहब ही काफ़ी थे लेकिन जो शरीफ बरादरान उनकी बी टीम है उन्होंने भी हमारी कसर निकाल दी। हमारा इलाका जो गन्ने की काश्त में पूरे पंजाब से पहले नंबर पर है, यहाँ हमारी बदबख्ती ये है कि फैसलाबाद रोड पर पिछले दौरे हुकूमत में गवर्नर खालिद मकबूल ने शेख रशीद के साथ मिलकर एक मिल लगाई मदीना शुगर मिल, उधर जंग रोड पर रमज़ान शुगर मिल लगी हुई है। यहाँ DCO के ज़रिए
जिम्मेदारों को कंपेल करके मजबूर करके गन्ना ज़बरदस्ती भिजाया जाता है। पुलिस को महकमा माल को पुलिस को डाकू पकड़ने की बजाय महकमा माल को अपना काम करने की बजाय गन्ना के पीछे दौड़ा दिया है। हमारे ड्राइवरों को हमारे मुलाजमीन को जेलों में भेज दिया गया है। हम FIRें दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लाम साहब भी। इस्लाम साहब आप बताएंगे कि आप भी क्या ये जो शरीफ बरादरान की यहाँ रमज़ान शुगर मिल है उसको इंतज़ामिया की भली मगत के साथ मिल करके पुलिस के जरिए ड्राइवर होते हैं ज़िम्मेदार और काश्तकारों के उनको पकड़ा जाता है और उस पूरे एरिए को नाके लगाकर चौकी जो जामियाबाद है उसका जो भी इंचार्ज होता है उसको इसी ड्यूटी पे लगाया जाता है गन्ने की काश्त के जो लोग फसल के वक़्त। और उसके साथ जो उन्होंने थाना बवाना है एक SHO ने इनकार किया कि मैं तो डाकू पकड़ूंगा लैंड एंड का जो मसला है उसको हल करूँगा, तो उन्होंने आमिर मुश्ताक को वहाँ से इसलिए निकाला उसका तबादला कर दिया कि वो तो वज़ीर आला का हुक्म नहीं मान रहा। और इसी तरह ये DCO साहब हैं या DPO साहब हैं ये तो पूरी की पूरी ज़िली इंतज़ामिया तो उनकी शहबाज शरीफ की बांधी है। और शहबाज शरीफ अगर चाहते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बने अच्छा ज़िला बने उनको चाहिए कि ज़िले की अच्छी टीम हो ज़िले की अच्छी इंतज़ामिया हो और साथ ये कि वो ज़ाती जो बदमाशी करते हैं शुगर मिल के ज़रिए से अपने अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं उससे बाज रहें। जी हमारे साथ एक और मौजूद है, हमारे साथ ज़ुल्कर नैन साहब हैं। ज़ुल्कर नैन भुट्टा साहब ये भी बहुत बड़े काशकार हैं। जी ज़ुल्कर नैन, मसला ये है कि जी सारे सीज़न में उन्होंने DPO और DCO जो हैं वो उन्होंने हमेशा ट्रालियों का इत्तेगोदो की है पकड़ने की, उन्होंने कोई और ऐसा काम नहीं किया जिसमें कोई ज़िला चल सके। उसके अलावा मुल्क के ज़िम्मेदारों के करोड़ों रुपए जो रोड सेस के हैं वो एक ऐसी पुल पे लगा दिए जाएँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अभी तक पंजाब हुकूमत ने कोई ज़िम्मेदारों के लिए गंदम की खरीदारी के लिए कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया। ये वसीम मैं आपको ये भी यहाँ पे बात बता दूं कि इनके ऊपर अभी तक जितनी भी FIR हुई हैं जो काश्तकार इनको गन्ना नहीं देते उनकी FIR जो हुई हैं वो तमाम की तमाम ज़िले अकवाम की तरफ से हुई है जिसमें DCO DDRO और इस तरह दीगर रेवेन्यू का अमला शामिल है। जितनी भी FIR हुई है उनके ऊपर पीछे लिखा गया है कि इसका मुकम्मल जो मुदई है वो DDRO है। यहाँ पर ऐसे भी और इस वजह से जो पंजाब हुकूमत है क्योंकि उनको गन्ना मिल रहा है इस वजह से वो DCO की करप्शन के ऊपर मुकम्मल तौर पर पर्दापोशी की हो और चश्मपोशी कर रही है। चले अमीर उमर हम इस पर अपनी बहस जारी रखेंगे, हम इस इशू को उठाएंगे। हम कल कोशिश करेंगे किसी पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे से ही बात करें। ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर रमजान शुगर मिल में गरीब काश्तकारों को रमजान शुगर में वजीर आला पंजाब की गरीब काश्तकारों को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना गन्ना इन्हीं को बेचें और वो भी कम कीमत पर बेचा जाता है और फिर अदायगी भी वक्त पर नहीं की जाती। मेरी बात हुई है इस पर राणा सनाउल्ला साहब से ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले हमें सबूत पेश करें हम उस पर कार्रवाई करेंगे। राणा साहब हमने इस पर प्रोग्राम इसलिए किया कि ये लोग इतने डरे हुए कि इनका कहना कि हम मीडिया पर आकर तो अपने खौफ और खदशे का इजहार कर सकते हैं, वैसे अगर हमने कोई भी शिकायत दर्ज करवाई थाने में जाकर या सबूत पेश करने की कोशिश की तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब इन्हें उम्मीद है कि चूंकि टेलीविजन पर आ गए तो शायद कोई भी इनके साथ इनके सामने कार्रवाई से डरे। राणा सनाउल्ला साहब से हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस इशू को मजीद उठाएंगे। आज के प्रोग्राम से वसीम बादामी को इजाजत दीजिए। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर से अमेरिका और कनाडा में किसी भी नंबर पर